गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन महादेव फैमिली। तो दोस्तों, आज हम आपको लेके जा रहे हैं रिवालसर, और मंडी से है ये 25 किलोमीटर दूर। यहाँ नीचे की तरफ है गहरी खाई, और जहाँ मैं आपको नहीं लेके जाऊंगी, और यहाँ पर लगे हुए थे कड़ी पत्ता और उसके फ्रूट्स, तो वो हम निकालने के लिए यहाँ पर रुके हुए थे। आज मैं आपको जू में लेके जाऊंगी रिवालसर का। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे होंगे अंदर, तो चलिए चलते हैं अंदर। लेकिन अंदर जाते जाते आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, टिकट काउंटर से टिकट लेनी पड़ेगी, और उसके बाद अंदर एंटर करेंगे। कितने का टिकट मिला आपको? 20 ईच। 20 यहाँ पर मॉन्की बैठा हुआ था, बहुत ही सैड लग रहा था। अब इसका दोस्त भी आ गया हुआ है वहाँ पर, अब दोनों गपशप करेंगे। आगे बहुत ही प्यारे प्यारे और भी जानवर हैं। वाओ, अब ये बेबी हैं, है ना, इनके सींग भी आ रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारे हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है, तो यहाँ से अभी मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। मे बी अंदर की तरफ काफ़ी ऊपर होंगे, तो वहाँ ऊपर अगर जा पाई मैं, क्योंकि काफ़ी एरिया है ये, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो अभी आगे की तरफ चलते हैं। अभी पीछे दिखाया, पोर्कुपाइन के पास थे हम, क्योंकि हमने डिस्टर्ब नहीं किया, वो सो रहा था, और उसको अगर लगता है कि डेंजर है तो अपने कांटेदार जो पंख होते हैं उनको भी छोड़ता है। भालू मैं आपको दिखा रही हूँ, और मुझे सैड लग रहा है ये, क्योंकि हर किसी को अपनी फ्रीडम प्यारी होती है, उसी तरह से इसको भी लग रहा होगा कि मुझे भी बाहर घूमना है। तो अभी ये बेचारा अंदर खेज में बंद है, इस जाले में बंद किया हुआ है, तो हम इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि अगर हमें भी बंद कर देंगे तो हमें भी बुरा लगेगा, इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। आगे की तरफ लेके चलती हूँ, आगे और भी बड़ा खुश है देखने के लिए। आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं। ये देखिए, ब्लैक बियर यहाँ पर, और स्लॉथ बियर भी है, सन बियर भी है। आई डोंट नो ये सभी यहाँ पर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी हम आगे चलते हैं। आगे है, आप कहाँ से आए हैं? कहाँ पर है? यूपी। यूपी, ओके। गोरखपुर से आगे यूपी बिहार। अच्छा, यूपी से भी यहाँ पर आए हुए हैं रिवालसर घूमने के लिए। ओके, वन मोर बिग बियर। वाओ, हेलो बियर, मुझे तो थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए फ्रेंड्स बहुत पास में गई हूँ। ये देखिए, बिल्कुल नज़दीक से आपको मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, और अगर ज़्यादा आगे हाथ करूँगी तो ये शायद पकड़ भी सकता है, तो ज़्यादा नज़दीक नहीं जाते हैं। यहाँ पर अब मैं इस जू के व्यू पॉइंट पे पहुँच गई हूँ, और ये काफ़ी ऊंचाई पर इन्होंने बनाया हुआ है, जहाँ से आप आसपास के व्यू को देख सकते हैं और जू को निहार सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत यहाँ से नज़र आ रहा है ये जू। ये जो पोर्शन है नीचे का, यहाँ पर होता था बेयर, लेकिन अब इनके लिए उधर जगह बना दी गई है, और यहाँ पर आप वॉल पे देख सकते हैं मॉन्की आराम से बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, नोनो चला गया है काफ़ी ऊपर, तो ये सारी सीढ़ियाँ चढ़ करके हमारे को जाना पड़ेगा गुरुद्वारा साहिब में दर्शन करने के लिए, कि जैसा मैंने आपको बताया पहले भी,
मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको लेके जाऊंगी वहाँ ऊपर। तो दोस्तों हम तो सीढ़ियों से आए हैं, लेकिन ये रोड साइड भी है फ्लैट, तो आराम से यहाँ पहुँच सकते हैं। और यहाँ पर आती है संगत बहुत दूर दूर से दर्शन करने के लिए गुरुद्वारा साहिब में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये है तीन धर्मों का संगम। गुरुद्वारा साहिब में दर्शन करवाने के लिए लेके चलती हूँ, अंदर चलते हैं। बहुत ही शांत मज़ेदार और बहुत ही स्पिरिचुअल होगा अंदर का एनवायरनमेंट। चलिए चलते हैं। अंदर जाने से पहले आपको सिर में बांधना पड़ेगा रुमाल। आपको पहले भी बताया, बहुत ही शांत अंदर का वातावरण होगा एनवायरनमेंट। दोस्तों इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं लेक के पास और बहुत ही मज़ा आ रहा है। फर्स्ट टाइम हम इस वेदर में यहां पर पहुंचे हुए हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एक स्पिरिचुअल सा एनवायरनमेंट यहां पर बना हुआ है। तो मैं अभी आगे की तरफ चलती हूं जहां पर खता लगाया हुआ है वहां पर, और किस तरह से वो हवा से लहर रहे हैं। मेरे पीछे देखिए पद्म संभव जी की मूर्ति, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है यहाँ से। और हम जा रहे हैं आगे की तरफ, ठंडी ठंडी हवा साथ में चल रही है। बालसर में आए और आपने चाउमीन वगैरह नहीं खाया तो मज़ा नहीं आता है। तो अभी नोनो का मोमो भी आया, पहुँचा नहीं हुआ, तो इसको थोड़ी सी एक्साइटमेंट हो रही है कि मेरा खाना क्यों नहीं आया है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया, और जो यहाँ पर बनाने वाले हैं वो हैं लोकल। हमने चूज़ किया यहाँ पर उस शॉप को जहाँ पर सिर्फ वेजिटेरियन मिलता है, तो ये वेजिटेरियन ओनली वेजिटेरियन शॉप थी यहाँ पर, जहाँ पर ये वेज हर चीज़ बनाई जाती है। Yeah, I don't know.
आपको लेके आई थी यहाँ पे मंदारवा जो केव है यहाँ पर, तो यहाँ लगाया हुआ है लॉक क्योंकि चोमो यहाँ पर रहती है, तो शायद इस वक्त वो पूरे करने के लिए गए हुए होंगे क्योंकि उनका लंच ब्रेक होता होगा इस वक्त। जो गुफा है वो बहुत ही ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल है, और जो दलाई लामा जी है, गुरु पद्म संभव जी जो है, वो यहाँ पर छुपे थे। यहाँ पर उनके हाथों के और छुपने के काफी निशान यहाँ पर बने हुए थे, वो मैं आपको दिखाना चाहती थी, लेकिन इस वक्त गुफा बंद है। लेकिन फिर भी जो यहाँ पर पत्थर है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये पूरी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं आप उनका ये छुपने का बना हुआ है जगह। खड़ी हुई हूँ रिवाल्सर लेक के पास जहाँ पर है हवन कुंड, और यहाँ पर स्पेशली इस सेल्फी पॉइंट भी बोला जाता है। इस तरह का यहाँ पर अभी कुछ लगाया नहीं है, आई लव रिवाल्सर एट्सेट्रा जैसा कि अदर जगह पे होता है, लेकिन ये जहाँ पर एक स्पॉट बनाया गया है, जो व्यू पॉइंट बनाया गया है, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ पर होता है हवन, और ये है हवन कुंड बिल्कुल मेरे सामने, और मेरे सामने ही दो केज रखी हुई है जहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर बतख रखी हुई है जो आपस में खेल रही हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर, ये देखिए, तो आप आवाज़ सुन सकते हैं। और आज यहाँ पर इस सावन के महीने में बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं रिवाल्सर में, तीन धर्मों के संगम और इस जगह का दर्शन करने के लिए, और हम लोग भी आए हैं यहाँ पर घूमने के लिए। और रिवाल्सर में इस सावन के महीने में बुद्धिस्ट हमारे जो गोम्पा है वहाँ पर गए थे हम दर्शन करने के लिए, साथ में हम गए थे गुरुद्वारा साहिब में, और यहाँ पर जो मंदिर है लोमेश्वरी जी जी का वहाँ पर भी हम लोग गए थे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस वक्त आसपास का व्यू बहुत ही खूबसूरत हुआ है, ग्रीनरी है चारों तरफ, धूप भी है क्योंकि बरसात है तो ह्यूमिडिटी भी है काफ़ी ज़्यादा। और मेरे बिल्कुल सामने गुरु पद्म संभव जी की बहुत बड़ी मूर्ति भी बनाई हुई है जो कि बादलों के बीच में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। कुछ जगह पे क्लाउड्स भी आए हुए हैं, लेकिन इस वक्त वेदर हुआ है बहुत प्यारा। और यहाँ से बिल्कुल सामने एक और व्यू पॉइंट है, वहाँ पर भी मैं आपको ले जाऊँगी। और बहुत ही चारों तरफ जो है बहुत ही खूबसूरत व्यू बना हुआ है, और लोग यहाँ पर दूर दूर से पहुँचे हुए हैं। ओ हाँ भाई, नो नो, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? मस्ती कर रहा है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कर रहा है मस्ती, तो इसके साथ मैं भी थोड़ा सा एंजॉय कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ साथ में पास तक पहुँची हुई है बहुत सारी फिश। और यहाँ पर ये जो चार फ्रेंड्स है वो घूम रहे हैं यहाँ साइड साइड से, ये कुछ खाने के लिए मांग रहे हैं, आवाज़ डाल रहे हैं, लेकिन हम इनको कुछ खाने के लिए नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसा कुछ डालते हैं तो आपको फाइन पे करना पड़ सकता है, क्योंकि इस झील की सुंदरता जो है वो है यहाँ पर साफ सफाई रखने में। डंडे में खड़े हुए भैया, अगर कुछ गलत डालेंगे तो ये डंडे से पिटाई भी करेंगे। क्यों भैया, ठीक बोल रही हूँ ना? नहीं, पिटाई डांट लगाएंगे। ओके, तो दोस्तों ये देखिए, ये प्यारे प्यारे फ्रेंड्स हमारे जा रहे हैं अपने घर में, तो हम इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि अब इनको घर में बंद करने का टाइम आ गया हुआ है। अब ये अपने घर के अंदर जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तैराकी इन्होंने कर ली। ये देखिए, मस्ती हो गई इनकी, और ये जाएंगे अपने घर में। बहुत ही प्यारे बच्चे लाइन से चले गए अपने घर के अंदर। तो दोस्तों ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत मोमेंट था यहाँ पर। क्यों, कैसा लगा? देखा कैसे डिसिप्लिन में चलते हैं अभी, है ना?
क्या देखा अभी आपने? बहुत बुरी तरह से घूर रहे हैं और मुझे लग रहा है डर। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे मैंने बहुत सारी चीजें दिखाई, अब मैं आपको ले चलती हूँ आगे की तरफ। मेरे आप राइट साइड देखेंगे, ये जो बहुत ही खूबसूरत से यहाँ पर ये जो आपको लग रहा होगा झाड़ियाँ हैं, लेकिन हमारे कल्चर में इसको पूजा के लिए यूज़ किया जाता है। और जो रिवालसर झील है उसके अंदर अगर आपको ये चलते हुए नज़र आए तो आप ऐसे मान लेना कि यू आर अ लकी वन एंड लकी डे है। वट एवर यू आर विशिंग वो ज़रूर पूरा होगा। तो सामने देखिए, बहुत ही सुंदर ये लग रहा है। हिंदू धर्म में ग्रह वगैरह के लिए बोलते हैं, तो उसी तरह से बुद्धिस्ट कल्चर में भी ये लगाया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा होता है, आप घर में भी लगा सकते हैं और यहाँ आकर के भी इसको यहाँ पर लगा सकते हैं। तो अभी मैं भी यहाँ पर शॉपिंग करूँगी और लेके जाऊँगी इसको रबने करके, तो अपने घर में छत के ऊपर मैं लगाऊँगी। हम लोग आए थे सुबह 12 बजे, तो अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। अभी मैं सोच रहा हूँ घर निकलते हैं और आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर ख़त्म, और आपको दिखाते हैं एक बहुत भिक्षु यहाँ पर बड़े ईमानदारी से तपस्या कर रहा है। तो देखिए, ये हमारे बहुत भिक्षु हैं, लाहौल स्पीति से आए यहाँ पे तपस्या करने के लिए। तो दोस्तों, ये था आज का ब्लॉग, और कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। देखते रहिए महादेव फैमिली। बाय।